पितामह भीष्म से एक अपराध हो गया था। भीष्म के जन्म के इनके 71 जन्म पहले की कथा है। 71 जन्म पहले ऐसा हुआ था कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रथ में बैठे हुए थे और रथ के आगे एक सर्प उनको दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये सर्प जो है रथ के पहिए के नीचे आ जाएगा तो मर जाएगा, दब जाएगा। तो उन्होंने कुछ आगे बढ़कर झुक करके और अपने बाण की नोक से उस सर्प को उठा करके बाहर फेंक दिया, क्योंकि रथ तेजी में था। अब वो तो बचाना चाहते थे, लेकिन वो संयोग ऐसा रहा कि जो सर्प को उठा करके फेंका तो वो एक कांटेदार झाड़ी पर जाकर के गिर गया। और कांटेदार झाड़ी पर जब गिरा तो सर्प के पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, वहाँ से वो निकल नहीं सका। तड़पते तड़पते वहीं उसके प्राण निकल गए। तो वह पाप पितामह भीष्म के पीछे लग गया। यद्यपि उसमें उनका दोष नहीं था, उन्होंने उसको बचाने की भावना से वो किया था, लेकिन कर्म की गति बड़ी गहन है। यदि आपने अनजान में भी कुछ किया है और उसमें आपके हाथ से अपराध हुआ है तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। जैसे कि कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी हम अपनी कार से जा रहे थे, कार के पहिए के नीचे गिलहरी आकर के मर गई, कोई जीव जंतु इस तरह मर गया तो क्या करें, क्या उसका भी पाप लगता है? बिल्कुल लगता है। आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के सामने कोई जीव आ गया, इस तरह से सर्प आ गया, क्रिकेट आ गया, गिलहरी आ गई, तो उसको यदि वो मर गया है तो उसका भी दोष आपको लगेगा, उसका भी प्राश्चित करना चाहिए। बिल्कुल सावधानी से चलें, और यदि इस तरह से अचानक ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके प्राश्चित अवश्य करना चाहिए। तो अभी किसी ने एक दिन प्रश्न किया था कि महाराज जी हमारे ट्रैक्टर से किसी तरह कहीं गाय को चोट लगी और वो गाय गिरी और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या गोहत्या? हमने कहा बिल्कुल गोहत्या लग गई, भले ही वो धोखे से हुआ लेकिन वो निमित्त तो आप बन गए, तो इसके लिए आपको गोहत्या का पाप तो लगेगा। तो इस तरह से वो पाप अवश्य लगेगा। तो वो पाप जो सर्प वाला था वो पितामह भीष्म के पीछे लगा रहा। उनका जीवन इतना निष्पाप और इतना सात्विक और इतना सधा हुआ था कि वो पाप उनके पीछे तो लगा रहा पर वो प्रभाव नहीं डाल पाया। 71 जन्म के बाद जब उन्होंने कौरवों के पक्ष में जाकर के खड़े हुए तो वह पाप को अवसर मिल गया कि तो पापियों के साथ खड़े हुए हैं, अधर्मियों के साथ खड़े हुए हैं। यद्यपि उन्होंने कोई अधर्म या पाप उन्होंने खुद अपने से नहीं किया, लेकिन ये कथा है कि यह भी शिक्षा देती है कि हम यदि किसी पापी या अधर्मी का साथ देते हैं तो हम भी उसके गिनती में आ जाएंगे, हमने भी किया। तो वह जो इतना पहले से लगा हुआ पाप पीछे था उसको उस अवसर मिल गया और उसने प्रभाव किया और बाणों की सैया पर पितामह भीष्म को लेटना पड़ा। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।